अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेरिटेज रिवाइव्ड विरसा के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं इफ़त उमर और यूसुफ सलाहुद्दीन एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के चार सूबे हैं, हर सूबे की मुख्तलिफ ज़ुबान, हर सूबे का मुख्तलिफ मौसम, फल डिफरेंट हैं, रंग डिफरेंट हैं, बोल चाल डिफरेंट है, लेकिन ये सब मिलकर पाकिस्तान बनाते हैं। और ये इन सब में से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो इसी तरह है कि जैसे कौसो कज़ा के पूरे रंग नहीं हैं। इसलिए हमारे अंदर जो आजकल ये थोड़े से डिफरेंसेस आ रहे हैं, इन सब को भूल के हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं, और इन सब चीज़ों के बगैर हम कुछ नहीं, पाकिस्तान कुछ नहीं। और हमें इन सब सूबों से उतनी ही मोहब्बत है जितनी उस जगह से है जहाँ पर हम खुद रहते हैं। क्यों यूसुफ? बिल्कुल इफ़त, और आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है बड़ा ख़ास प्रोग्राम है। बिल्कुल, क्योंकि ये हैं वो नगमे, जो फोक गीत, जो हमारी जो लेजेंडरी सिंगर थी मलका पुखराज, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गाए, क्योंकि उनका अपना ताल्लुक जो था वो जम्मू से था। एम आई राइट तायरा जी? बिल्कुल, आपने मैं जो इंट्रोडक्शन से पहले ही तायरा जी का इंट्रोडक्शन करा दिया, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि वी आर वेरी लकी वंस अगेन कि हमारे आज के प्रोग्राम में तायरा सैयद जी हैं, जिन्हें मौसीकी जो है ये विरासत में मिली, और हमारे प्रोग्राम की जिसे कहना चाहिए कि इज़्ज़त इन्होंने बढ़ाई है एक दफ़ा फिर से हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर। और आज की ये शाम भी उतनी ही खूबसूरत होगी जितनी आपके साथ हमने वो शाम मनाई थी। वैसे तो मैं डर रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब तायरा की रिकॉर्डिंग थी तो उस दिन तूफ़ान आ गया, तो हमें पोस्टपोन करनी पड़ी। तो आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि फिर कुछ थोड़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो मैंने फिर कहा नहीं, बात यह है क्योंकि आज के जो नगमात हैं वो पहाड़ी हैं और बेशतर पहाड़ी राग में भी हैं, तो मुझे वो वाक़ एक याद आया कि जब एक दफ़ा उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब दिल्ली में, उन्होंने एक उनका एक परफॉर्मेंस थी और वहाँ उन्होंने राग पहाड़ी गाया, तो अमंगस्ट द ऑडियंस देर वॉज ऑल्सो द महाराजा ऑफ कश्मीर सिटिंग देर। तो उन्होंने जब ख़त्म हुआ ये उनका प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा वाह वाह खान साहब, आज तो आप श्रीनगर को दिल्ली में उठा के ले आए। सो पहाड़ी एक बहुत खूबसूरत राग है, और ये मैं आपको कहता चलूँ कि ये जो ज़ुबान है जो डोगरी और पंजाबी से मिलती जुलती, ये हमारे बेशतर कश्मीर में भी और उसके अलावा मरी का जो तमाम इलाका है, उसके अलावा राइट अप टू हज़ारा और यू नो पेशावर तक ये ज़बान समझी और बोली जाती है। ये जो गीत हैं हमने बचपन से, शादियों में भी कुछ हम इनको सुनते आए। तो ताहिरा, हाउ डू यू, आप कैसा आपको लग रहा है आज दोबारा हमारे प्रोग्राम में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने ये पहाड़ी ओरिजिनली रिकॉर्ड की थी तो तब मम्मी ने भी साथ मेरे ये रिकॉर्डिंग्स की थी, और कई ऐसी हैं जो उन्होंने अकेले गाई थी और कुछ मेरे साथ भी गाई थी। आप लोगों का एल्बम आया था, बिल्कुल बिल्कुल। सो इतनी देर के बाद आई एम गेटिंग अ चांस टू रिवाइव दिस, और मेरा मुझे बड़ा शौक था कि ये चीज़ें दोबारा सुनी जाएँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये ख़जाना है जिसको चलते जाना चाहिए और आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होना चाहिए। और जैसा आपने कहा, ये डोगरी ज़बान जो है, मैं पढ़ रही थी कि ये इसको डिफ़ाइन किया जाता था कि वो ज़बान जो लाहौर से कश्मीर तक बोली जाती है, और इसको पहले लाहौरी भी कहते थे इस ज़बान को। अच्छा। हाँ, और अमीर खुसरो ने पहली दफ़ा जब इंडो पाक की ये ज़बानें टैबुलेट कीं तो उनमें पहाड़ी वॉज मैंशन द वेरी फर्स्ट टाइम, डोगरी वॉज मैंशन द वेरी फर्स्ट टाइम। सो ये वहाँ से शुरू हुई है और पंजाबी से मिलती जुलती है। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हैं, मगर ये हिंदकों के साथ भी कुछ इनकी है। और समझ जब भी हम सुनते हैं तो इनका आपस में ऐसा कोई मिलाप होता है कि जिसको नहीं भी आती जुबान वो कुछ लफ्ज़ों से अंदाज़ा लगा लेता और है। इसकी मेलोडी जो है ना इफ़त, वो इतनी अच्छी है कि आपको लफ्ज़ की ना भी समझ आए। Exactly. जैसे कि आप देखें, कई गीत हैं जो आप पश्तो में सुनते हैं जो हमें नहीं समझ आती, मगर उनकी मेलोडी है, गाया अच्छा गया है, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। और फोक सॉन्ग का तो कमाल ये है ना कि इट इज़ बिकम पॉपुलर ओवर द सेंचुरीज। पता नहीं किसने लिखा, कब लिखा, कब गाया। और जैसे कि मम्मी बताया करती थी और उन्होंने अपनी किताब में भी मेंशन किया है कि ये वहाँ पे वो गीत हैं जो वहाँ पे खेतों में
जब उसका बिजाई का मौसम होता था तब सुनते थे, या बरसात के मौसम में, या जब क्रॉप्स को काटने के अलग, बिल्कुल तब ये सुनी जाती थी। तो ताहिरा, हमें थोड़ा सा इस गीत के बारे में, जो आप जो पहला जो गीत आप गाने वाली हैं पल पल बही जाना, इसके बारे में कुछ बताइए कि इसकी क्या बैकग्राउंड है, इसकी क्या स्टोरी है, किस मौके पे गाया जाता है। मैंने जी वालदा से, अपनी से ऑफ कोर्स ये सीखा, और इसके जो अल्फाज हैं उनका यही मतलब है कि पल पल करके आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है, पल पल बही जाना हो जिंदे, जिंद यानी कि जिंदगी। और आगे बड़ा आसान है, हरिपुर नूरपुर ठंडिया ने छावा, ये बलोचे दा ठाना ठाना, कि बलोचों का ठिकाना हरिपुर और नूरपुर में है क्योंकि ठंडी छाएं वहाँ पे हैं। बेसिकली ऑल दी सॉन्ग्स आर वेरी सिंपलिस्टिक, इनका कोई प्रोफाउंड मीनिंग नहीं है, मगर ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में है।
वैसे तो आपने माशाल्लाह नगमे बहुत दफ़ा गाए हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम के लिए इसको रिकॉर्ड कराते हुए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मुझे आपका प्रोग्राम वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें आने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की. आई वाज वेरी ईगर टू डू दिस प्रोग्राम. इट्स एन ऑनर फॉर अस. नॉट एट ऑल, इट वाज अ प्लेजर एंड आई वांटेड वेरी मच टू ब्रिंग दिस बैक, यू नो, एज अ लॉन्ग लॉस्ट मेमोरी. पीपल ऑफ कोर्स नो दीज सॉन्ग्स, मगर इतने अरसे से सुने नहीं, तो वो फिर आपके दिमाग से निकल जाते और हैं. और हमारे इस प्रोग्राम का तो मकसद ही है, हम exactly. यही कोशिश कर रहे हैं. इट इज़ वेरी रेलेवेंट कि ये वाली चीज़ें दोबारा गाई जाएं और सुनाई जाएं. और जब आपके से सुनेंगे, आवाज़ जब सुनेंगे आपके गले से निकलते हुए, जब ये लोग सुनेंगे, तो ऑब्वियसली ये उतना ही मशहूर होगा जितना आप चाहती हैं. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. और माशाल्लाह ताहिरा, मैं खुद, यू नो, आई वाज टेलिंग हर कि बड़े अरसे के बाद मैंने सुना कि नई रिकॉर्डिंग की, और आई टेक माय हैट्स ऑफ. रियली जी. हाँ जी, अगला कौन सा नगमा? फंदू. फंदू मजूरिया. इसका यूसुफ, इसका मतलब तो बता दे. मतलब बता दे. मैंने भी इसका मतलब अभी अभी समझा है और सीखा है. फंदू लड़के का नाम है और माँ गा रही है और लड़के के बाप को कह रही है कि इसको मजदूरी पे मत भेजो. वो मजदूरी पे इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसका किसी लड़की से उस गांव में चक्कर चल गया है, तो बाप सज़ा के तौर पे उसको गांव से दूर भेज रहा है नौकरी करने. तो माँ कह रही है कि उसका कसूर नहीं है, ये लड़की बड़ी चलाक है और ये लड़की ने इसको फंसाया है. सारी माँ यही सोचती है. दिस इज़ व्हाट मदर्स नॉर्मली थिंक. तो इसका ये मतलब है, फंदू मजूरिया नहीं हो जाना और जिंदे नहीं हो जाना.
लेकिन मौसीकी की तरफ सिर्फ आप ही आईं, तो क्या किसी और का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था? और आप किस तरह आईं? इफ़त, इंटरेस्ट तो मेरा भी बिल्कुल नहीं था, जैसा मुझे पता है ये, मगर छोटे होने की वजह से फिर मैं मम्मी के हत्थे चढ़ गई और बाकी लोग जो थे वो भागते गए और कोई पढ़ने के लिए चला गया, बाजी की शादी हो गई, आई वॉज़ दी ओनली वन एट होम एंड देन माई फादर पास्ड अवे. So my mother concentrated totally on music. और क्योंकि मैं थी और मुझे सिखाना था, इसलिए all her time went into trying to teach me. और मुझे उन्होंने तब तक सांस नहीं लिया जब तक मुझे टी वी पे ला के गवा दिया. तो इंटरेस्ट वाकई जो खुद से होता है वो कब डिवेलप हुआ, जब आपको रिस्पॉन्स मिला? मच लेटर. पहले तो आई रिजेंटेड ऑल द टाइम दैट आई हैड टू गिव टू म्यूज़िक एंड ऑल द टाइम आई हैड टू सिट एंड डू दिस बोरिंग रियाज एवरी डे. मगर उसके बाद जब मुझे समझ आई कि ये कितनी नायाब चीज़ उन्होंने मुझे, और कितना बड़ा तोहफा है, बहुत, तो ये मैच्योरिटी के साथ. तो नाउ डू यू रिग्रेट इट और शुक्र करती हैं? नहीं, अब तो मैं शुक्र करती हूँ कि उन्होंने ये किया, वरना आई वुड हैव बीन नथिंग. मेरे ख्याल से एक आवाज़ अच्छा गा लेना इतना बड़ा तोहफा है अल्लाह ताला का, कि इसकी जितनी कदर की जाए कम है. नाउ आई अप्रिशिएट दैट. और हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको सिखाया और हमें आपको सुनने का मौका मिला. नहीं, अब तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे तो लग रहा है कम हो रही है, मुझे लग रहा है कम होती जा रही है, बढ़ती रहती, तो आवाज में और गले में ज्यादा रस पैदा. ये तो है, ये भी हो सकता है, ये तो है. विद टाइम आपकी आवाज मैच्योर हो रही है, लेकिन वैसे आप माशाल्लाह. मेरा ख्याल है जिंदगी के थपेड़ों से आवाज में सोज आ जाता है. तो हम खुश हैं कि आप क्या आपको थपेड़े पड़े हैं कि आप मम्मी के हत्थे चढ़ गई. वो तो है. चलिए जी, अगला गीत सुने. अगला गीत है जी मने दी मौज, इसके बारे में थोड़ा सा तारा बताएंगे कुछ. मने दी मौज मोया हंसना, मन की मौज में हंसना खेड़ना, दिलेगी रखना नंदे कने, अपने दिल को निकाल के नंद के आगे रखना. ये तो बड़ा मुश्किल काम है. नंद के आगे. दना पर किसे दा मंदा नहीं बोलना, यानी जो दना आदमी है, दानिशमंद है, वो किसी का मंदा नहीं बोलता. चन्ने दी चांदनी मुंह पे नहीं बोलता. हाँ, चन्ने दी चांदनी चन्ने कने. देन शी गोज ऑन टू से कि साड़ा के काम है कतना तुम्बना, यानी कि वो चरखे पे कतना तुम्बना करती है. वो घरे दे कम्मे नू हाथ नहीं लांदी है, तो वो नंद शावा से ऑलवेज लाइक दैट. हां, ऑलवेज वी नो दैट. मुझे तो आज कट से निकाल देंगे इस प्रोग्राम के बाद. आप इफ़त ये देखेंगे, नंद नहीं है ना, उसको पता है कि ये खुद नंद नहीं है. कितनी खूबसूरती है इन सारे इस शायरी में. सिंपल है, टप्पे किस्म की, दे आर जस्ट नॉर्मल, सो सिंपल, एंड येट एवरीबॉडी कैन रिलेट टू देम. एग्जैक्टली.
दना पर किससे की मंदा नहीं बोलना चन्दी चाननी चन्ने करे हो चन्दी चाननी चन्ने करे मन दी मौज मोया हसना खेडना मन दी मौज मोया हसना खेडना दिलगी रखना ख्याल है कि जो अगला गीत है बेशतर हम ये भी सुने हुए हैं लेकिन ये डेफिनेटली आप सब को याद भी होगा लंग आजा पतन चना दाया तो तायरा जी पतन चनादा लंग आजा पतन चनादा यार लंग आजा पतन चनादा सिर सदका मैं जावा तेरे नादा यार लंग
जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये तमाम कॉम्पोजिशंस भी पुरानी चली आ रही हैं या कोई रद्दो बदल हुई? बस इसमें म्यूज़िक की रद्दो बदल हुई और वो साहिर अली ने बड़ा अच्छा बीच में म्यूजिक लेकिन ये जो ट्यून्स हैं ये पुरानी चल ट्यून्स रही। पुरानी है क्योंकि जो लिरिक्स हैं वो भी पुरानी ऑब्वियसली और जो उनकी कॉम्पोजिशंस थी वो भी एज आई सेड फोक थी तो वही ट्यून्स हैं जो थी बस उसमें म्यूज़िक की हम चेंज। आपको साहिर का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैं तो बहुत खुश हुई जब पहली मेरी रिकॉर्डिंग हुई और मैंने उसे कहा, मैं कहा ये
میرا خیال ہے بیسٹ ریکارڈنگ ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جی جناب, اگلا کیا ہم سن رہے ہیں؟ کونجا جائے پیاں پپرولے. کونجا جائی پیاں, کونجا کا تو پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتی ہیں. کونجا اڈیاں جائی پیاں پپرولے. پپرولے ایک گاؤں کا نام ہے یا ایک چھوٹے ٹاؤن کا نام ہوگا. اسی طرح کونجا اڈیاں جائی پیاں پپرولے, پابو بھابھی سددی بلاتی ہے, ڈونگے کھولے چھپ کے ایک جگہ پہ بھابھی بلا رہی ہے کہ میری بات سن جاؤ, دیور کو کہہ رہی ہے. کیوں؟ آئی ہیو نو کلو. اور اسی طرح پھر آگے ہے کونجا اڈیاں جائی پیاں ندون, وہ بھی ایک ویلیج کا نام ہے. اس طرح کونجا اڈیاں جائی پیاں بروٹ لکیسر. تو وہ بھابھی کا ذکر جو ہے وہ ہر دفعہ بلا, ہر سٹینزا میں بھابھی کا ذکر ہے. چلیں جی اگلا گیت سنیں. Thank you.
एक गल करी जाया وہ تو بڑے غلام علی خان صاحب جو تھے وہ تو ضرور کشمیر کو دہلی میں لے آئے تھے لیکن آپ بھی اپنے ساتھ بہت سی ٹھنڈی ہوا لے کے آئی ہیں میں نے دیکھا ہے بس اب اتنی ٹھنڈی یہ پہاڑی کا اثر اب اتنا ہی رہے تو ٹھیک ہے کہیں بوندا باندی نہ شروع ہو جائے اچھا جی ماڑے بانکو دیا چاچوا اسانگی لے چل اچھا اس کا یہ ہے کہ میں نے پہلی دفعہ گایا ہے اور یہ ممی نے گایا تھا اوریجنلی اور میں نے پہلے کبھی نہیں گایا سو یہ انہیں کا گایا ہوا میں نے پھر سیکھا ہے اور آپ کو آج سنانے لگی ہوں اس کے الفاظ تو آپ کو پتہ ہیں سمپل اسیں گی لئی چل کچ او مجھے ساتھ لے کے چلو بانکو دیا چاچوا بانکو بچے کا نام ہے اور آپ کو پتہ ہے گاؤں میں پہاڑی میں باپ کو چاچو ہی کہتے ہیں باپ کو چاچا کہتے ہیں اور جو بیٹا ہوتا ہے اس کا نام لے کے اس کا بیٹے کا نام لے کے بلاتے ہیں ناٹ ڈائریکٹلی کبھی شوہر کو اس کے نام سے نہیں بلاتے اور بچے کا نام یا بچے کی ریفرنس سے ہی بلاتے ہیں اور وہ آگے کہتی ہے کہ تسی تے جاندے ہو نوکری چاکری کہ تم تو نوکری کرنے جاتے ہو اسیں گی دئی جندے کھرپا داتری کہ ہمیں کھرپا اور داتری دے جاتے ہو گھاس کاٹنے کے لیے اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کہ خود تو نوکری پہ چلے جاتے ہو اور مجھے گھر کے یہ سارے کام کھیتوں میں کام جو کرنا پڑتا ہے مجھے کرنا پڑتا ہے تس سے جو کھاندے ہو پات ہو یعنی کہ تم تو کھانا بھی اچھا کھاتے ہو اور چلے جاتے ہو اسی طرح شی گوز آن ٹو سے کہ لوکاں دے بال پانڈے مانج دی چنگی نہیں لگدی روٹی پکاندیاں چنگی نہیں لگدی نوکر چاکر رکھ ہوئے بانکو دیا چاچوا سو اٹس جسٹ این اپیل ٹو دا چائلڈس فادر کہ مجھے یا ساتھ لے کے چلو یا میرا انتظام یہاں پہ صحیح کرو وچ از اے نارمل وائفس ڈیمانڈ ان اینی کیس چاچوا
चढ़ गई तो आपकी औलाद में से कोई आपके हत्ते नहीं चढ़ा? नहीं इफ़त, मैंने कोशिश ही नहीं की क्योंकि मुझे अपनी किरण तो बिल्कुल नहीं चढ़ना, मुझे पता था। बिल्कुल नहीं। और अब मुझे कहती है कि आपने काश मुझे ज़बरदस्ती सिखा दिया होता, मगर जब मैं कहती थी तो शी वुड से कि नहीं, अब मेरी पढ़ाई है, अब मेरा ओ लेवल्स है, अब ए लेवल्स है, अब मैं ये नहीं कर सकती वो। सो आई सेड फाइन, ना करो। आई ऑलवेज लेफ्ट इट टू देम, विच वॉज probably what my mother didn't do, that's why I learned. तो मैंने पूछा इनको कि तुमने सीखना है, इन्होंने कहा नहीं। वैसे ठीक है। वैसे दोनों में से आप में किसी में पोटेंशियल था आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है किरण की आवाज़ तो बहुत ही बुरी थी, मगर हसनैन सीख सकता था, इसमें थोड़ा सा सुर और वो ताल का है। तो इज इट टू लेट नाउ? आई डोंट नो, यू कैन आस्क हिम। जी हसनैन जी, नहीं सीखना? अब आई थिंक इट इज टू लेट। किस तरह? थोड़ा ज्यादा कमिट हो गया हूं टू अदर थिंग्स इन लाइफ एंड वर्क एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड एटसेट्रा। एक दिन पछताओगे, मैं बता रही हूं। आई नो इवेंचुअली अगर टाइम मिले तो जरूर आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड। इट्स अ ग्रेट आर्ट आई थिंक। आई आल्सो एंड आर यू प्राउड ऑफ योर मदर? ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज इमेंसली प्राउड ऑफ हर। जी हम आगे क्या सुन रहे हैं आप? तो द नेक्स्ट जो अगला हमारा नंबर है दैट इज माय फेवरेट एंड ताहिरा बताएंगी आओ माड़िए जिंदड़िए। हाँ जी, ये इसके वर्ड्स हैं। हाँ बो माड़िए जिंदड़िए बार सिपाही किया रौंदे ने, यानी कि एक दूसरे को कह रही हैं लड़कियाँ कि बाहर जो सिपाही हैं वो जब नौकरी पे जाते हैं तो वहाँ पे कैसे रहते हैं। ऑब्वियसली दीज आर वाइव्स ऑफ सिपाहीज हुव गॉन इनटू द आर्मी और यू नो बीन टेकन इनटू द आर्मी। तो वो कह रही हैं कि बाहर जाके जब गांव से वो चले जाते हैं अपनी पोस्टिंग पे या जहाँ भी बेचारे होते हैं तो वो कैसे रहते हैं। तो एक कहती है मली मली साबन कपड़े जो धोंदे ने, कि खुद ही मल मल के अपने साबन से कपड़ों को धोते हैं। कोल फुलवा दे रौंदे ने, फुल्लों फुल्ला दे कोल रेंदे ने।
और कपड़े मल मल के आपे धोंदे ने. सो ये दिस इज़ द डायलॉग बिटवीन प्रोबेबली टू वीमेन हु आर डिस्कसिंग व्हाट देयर हस्बैंड्स मस्ट बी डूइंग व्हेन दे आर अवे ऑन देयर जॉब. अब यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो ये पहाड़ी इलाके हैं, अगर आप देखें आज भी बहुत से जो उनकी जो मेल पॉपुलेशन है वो अपने इलाके से बाहर ही फौज में होते हैं, फौज में होते हैं, इवन किसी और नौकरी यहाँ पे शहर में आके काम कर रहे होते हैं, शहर में आके काम कर रहे होते हैं, तो ये उसी ये सिचुएशन को बयान कर रहे हैं. सूट
آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ہماری میوزک انڈسٹری کا فیوچر کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں اگر میں کہوں گی بلیک تو یوسف از ناٹ گوئنگ ٹو اگری ود می بیکاز وی آلویز ہیو دس ڈبیٹ اور آئی آلسو بلیو دیٹ اٹ از ناٹ بلیک آل دو پیپل سے دیٹ کیونکہ دیکھیں صرف اس بارے میں سوچنا کہ کوئی کلاسیکل سنگرز یا کوئی سیریس میوزک گانے والے نہیں ہیں تو میوزک کا فیوچر نہیں ہے. بہت لوگ آئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں وین وی تھاٹ کہ اب کوئی نہیں ہے آگے. نیو پیپل آر کمنگ اپ ایوری ڈے اور یہ آپ ہی کے پروگرام میں میں نے اتنی نئی آوازیں سنی ہیں اور آئی ہیو بین سرپرائز دیٹ سم آف دیم آر سو گڈ اینڈ دے آر انڈسکورڈ اینڈ ان شاء اللہ ان اے کپل آف ایئرز دے ول بی یو نو آور لیڈنگ سنگرز ان شاء اللہ. چلیں جی راضی رونا. راضی رہنا بھلا
لطف آیا ہے جتنی خوبصورت ہماری وہ شام تھی اس سے کہیں زیادہ مزہ آ جایا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو آپ لوگوں کا نیا البم بنے گا اور آپ ہمارے پروگرام میں جب آئیں گی تب بھی اتنا ہی لطف آئے گا تھینک یو سو مچ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اور یوسف آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک کو فرقہ واریت اور آپس کی دشمنی کے عذاب سے لعنت سے بچائے رکھے اور ہم سب مل کر قائد اعظم کے پاکستان کو روشن مستقبل کی طرف لے کر چلیں آمین اللہ حافظ میری بات